वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम आज फिफ्थ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं एडजस्टिंग नलिंग टूल का। तो इसमें देखिए ये सिंपल सी डिज़ाइन है और ये यहाँ पर कुछ बेसिक फीचर्स हमने यूज किए हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसका 2D ड्राइंग आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 2D ड्राइंग यहाँ पर इसका क्रिएट किया है। तो इसमें देखिए सारे डायमेंशन यहाँ पर हमने शो किए है और यहाँ पर एक सेक्शन व्यू जिसकी थिकनेस देखिए इस वाले पार्ट की थिकनेस 8 mm है और यहाँ से इसका डिस्टेंस 11 mm। तो ये ड्राइंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर ये सारे डायमेंशन mm साइज में हमने अप्लाई किए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसका डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे 50 mm। हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी साइजें अप्लाई करने वाले हैं, सारे डायमेंशन यहाँ पर उसी तरह से अप्लाई करेंगे। और फिर यहाँ पर एक एलिप्स क्रिएट करना है, यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से एलिप्स ड्रॉ करना है। अब इसका डायमेंशन हॉरिजॉन्टल आपको अप्लाई करना है 15 mm और इसकी हाइट वर्टिकली इसकी साइज रहेगी 10 mm। अब यहां पर इसे इस तरह से नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे, फिर ओरिजिन पॉइंट के साथ इसे वर्टिकल कर देंगे। अब यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे ओरिजिन पॉइंट से इसका मिड पॉइंट 26 mm इसका डिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकल कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे इसे ट्रिम कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, सर्कुलर स्केच पैटर्न एक्टिवेट करना है। यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटिटी टू पैटर्न तो हमें इस वाले आर्क को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न 8 अप्लाई करेंगे और फिर ओके कर देंगे। फिर से पावर ट्रिम एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर अननेसेसरी जो आर्क है इसे इरेज कर देना है, ट्रिम कर देना है। और फिर ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसकी ब्लाइंड कंडीशन इसकी साइज रहेगी 8 mm। और फिर ओके करना है। ड्राइंग में हमने इसकी हाइट 8 mm लिखी है बट यहाँ पर आपको 7 mm अप्लाई करनी है क्योंकि हमारे स्क्रू के डायमेंशन के हिसाब से हम इस हैंडल को क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि ये स्क्रू में लगने वाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेस को सिलेक्ट करना है, स्केच करेंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है और इसका डायमीटर अप्लाई करेंगे 16 mm। फिर फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। तो ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारे इसकी साइज अप्लाई करेंगे हम 11 mm और फिर ओके करना है। स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है और इसका डायमीटर अप्लाई करेंगे 8 mm, फिर ओके करना है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है और यहां पर थ्रू ऑल कर देना है और ओके कर देना है। अब यहां पर चैम्फर अप्लाई करेंगे, तो हम यहां पर चैम्फर अप्लाई करेंगे 0.5 mm, इस वाली एज को सिलेक्ट करना है और फिर ओके करना है। फिलेट अप्लाई करेंगे
फिलेट की साइज हम अप्लाई करेंगे 1 mm, यहां पर इस वाली एज को सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर देखिए लेफ्ट लूप 15 edges, इसे सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह से इस साइड में भी हम सिलेक्ट करेंगे और यहां पर फर्स्ट वाला जो सिंबल है इसे सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहां पर फिलेट अप्लाई कर दिया हमने। फिलेट को फिर से एडिट करेंगे, यहां पर देखिए इस वाली एज पर हम फिलेट अप्लाई कर देंगे और ओके कर देना है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक होल करना है हमें, तो यहां पर सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसकी साइज रखेंगे 3 mm। अब सिंपली इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस होल के पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। फिर यहां पर यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो सर्कल है वो फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर थ्रू ऑल बोथ आपको सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये पार्ट भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, तो आपको अपीयरेंस में जाना है, फिर यहां पर अपीयरेंस ओपन करना है, मेटल में जाएंगे, फिर स्टील अप्लाई करना है, स्टील सिलेक्ट करना है और यहां पर सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील। फिर यहां पे इसका कलर चेंज कर देंगे हम। कलर में देखिए इस तरह से आप चाहे तो इससे डार्क भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहां पे ये कलर अप्लाई करूंगा और फिर ओके कर दूंगा। इस पार्ट को सेव कर देते हैं हम। हमारे जो प्रीवियस पार्ट हमने क्रिएट किए थे उस फोल्डर में हम इसे भी सेव कर देते हैं पार्ट 5 के नाम से। आपको ये प्रीवियस ट्यूटोरियल आपको देखने हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पार्ट भी क्रिएट कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।